आजादी के अमृत महोत्सव के इस अमृत काल में श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार हम प्रण लेंगे कि हम पंच प्रण लेंगे, जिसमें हम ये प्रण लेंगे कि हमें देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रयासरत रहे। सो मैं हिंदी में बोलूंगी एंड आप लोग रिपीट करेंगे एंड देन फिर ये फ्लैश मराठी में होगा एंड देन आप लोग को रिपीट करना है। अपनी भागीदारी निभाऊंगा, अपनी भागीदारी निभाऊंगा, मैं शपथ लेता हूँ कि गुलामी की मानसिकता से, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि देश की समृद्ध विरासत पर, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करूंगा, गर्व करूंगा और इसके उत्थान के लिए, और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्यरत रहूंगा, हमेशा कार्यरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि देश की एकता, देश की एकता और एकजुटता के लिए, और एकजुटता के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा, सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों, अपने कर्तव्यों और दायित्वों का, और दायित्वों का पालन करता रहूंगा, पालन करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि देश के गौरव के लिए, देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले, प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर, वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा सम्मान, सम्मान और प्रगति के लिए, और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा, समर्पित रहूंगा। अब ये मराठी में बोलते हैं। आम्ही शपथ घेतो की, आम्ही शपथ घेतो की भारतास, भारतास 2047 पर्यंत, 2047 पर्यंत आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर आणि विकसित, आणि विकसित राष्ट्र बनवण्याचे, राष्ट्र बनवण्याचे स्वप्न साकार करू, स्वप्न साकार करू। गुलामीची मानसिकता, गुलामीची मानसिकता मुळापासून, मुळापासून नष्ट करू, नष्ट करू। देशाच्या, देशाच्या समृद्ध वर्षाचा, समृद्ध वर्षाचा गौरव करू, गौरव करू। भारताची, भारताची एकात्मता, एकात्मता बलशाली करू, बलशाली करू आणि आणि देशाचे संरक्षण, देशाचे संरक्षण करणाऱ्यांप्रती, करणाऱ्यांप्रती सन्मान बाळगू, सन्मान बाळगू। देशाचे नागरिक, देशाचे नागरिक